नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस विद कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स के बारे में, यानी कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग MIG और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर तो जरूर करें। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में फिलर मेटल रॉड होती है जिसके चारों तरफ केमिकल्स की कोटिंग होती है जो कि फ्लक्स और शील्डिंग का काम करते हैं। जनरली फिलर मेटल का केमिकल कंपोजिशन बेस मेटल के केमिकल कंपोजिशन के आसपास ही होता है। उसके अलावा जो ये कोटिंग होती है, ये कोटिंग पाउडर्ड सेलुलोज जैसे कि कॉटन और वुड पाउडर साथ में ऑक्साइड्स कार्बोनेट्स को मिलाकर बनाई जाती है, और इनको चिपकाने के लिए सिलिकेट बाइंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये कोटिंग आराम से मेटल रॉड से चिपकी रहे। इस कोटिंग का मेन काम ये होता है कि वेल्ड पूल के आसपास ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, साथ में आर्क को स्टेबलाइज करती है। डायग्रामेटिकली अगर और अच्छे से समझें तो ये बेस मेटल है, ये वेल्ड डिपॉजिट है, ये स्लैग है, ये मेटल रॉड है, ये कोटिंग है। जैसे ही ये कोटिंग केमिकली रिएक्ट करती है वैसे ही ये आर्क को शील्डिंग प्रोवाइड करती है, और साथ में वेल्ड पूल के जमने के बाद स्लैग फॉर्मेशन होता है। अगर अब रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो करंट अप्रॉक्सीमेटली 300 एम्पेयर का रिक्वायर्ड रहता है और वोल्टेज की वैल्यू 15 से 45 वोल्ट रहती है। नॉर्मली शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, मशीन स्ट्रक्चर्स, इन सभी जगह शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली काफ़ी सारी स्टील्स, स्टेनलेस स्टील्स की वेल्डिंग के लिए शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एल्यूमिनियम, कॉपर, टाइटेनियम अलॉयज कभी भी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग द्वारा नहीं जोड़े जाते। इस वेल्डिंग के दो डिसएडवांटेजेस हैं कि बार बार इलेक्ट्रोड को चेंज करना पड़ता है, उसके अलावा जो करंट है उसे काफ़ी टिपिकल रेंज में मेंटेन करना पड़ता है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक है, ये राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक है, दोनों के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटल इनर्ट गैस, मतलब कि MIG वेल्डिंग, या फिर MIG वेल्डिंग को हम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग यानी GMAW भी कहते हैं। इस केस में भी जो इलेक्ट्रोड वायर है वो कंज्यूमेबल होता है और उसका डायमीटर 0.8 से लेके 6.5 मिलीमीटर तक का रहता है, और शील्डिंग गैस अलग से प्रोवाइड की जाती है। नॉर्मली हीलियम, आर्गन या फिर किन्हीं गैसेस का मिक्सचर एल्युमिनियम अलॉयज के लिए किया जाता है। उसके अलावा अगर स्टील ग्रेड मटेरियल को वेल्ड करना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी एक्टिव गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। डायग्रामेटिकली अगर इस चीज़ को समझें तो ये बेस मेटल है, यहाँ पर ये मोल्टन वेल्ड मेटल है, ये इलेक्ट्रोड वायर है, शील्डिंग गैस अलग से प्रोवाइड की जा रही है, ये नोजल है। अगर ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल लेफ्टवर्ड है, तो उस केस में ये इलेक्ट्रोड वायर है, शील्डिंग गैस यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पर
इलेक्ट्रोड वायर कंज्यूम होता चला जाएगा और ये जो शील्डिंग गैस है वो आर्क को स्टेबलाइज भी करेगी और शील्ड प्रोवाइड करती है। अब अगर शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के कंपैरिजन के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में बिल्कुल भी स्लैग का डिपोजिशन नहीं होता, इस वजह से इस प्रोसेस में ब्रशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा वेल्डिंग का ऑटोमेशन भी GMAW में आसानी से किया जा सकता है। और अगर GMAW में CO2 गैस का इस्तेमाल किया जाए तो इस वेल्डिंग को कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग भी कहा जाता है। अगला आता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में एक बेयर इलेक्ट्रोड वायर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये वेल्डिंग वायर या इलेक्ट्रोड वायर है। शील्डिंग अलग से ग्रैनुलर फ्लक्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है जो कि हॉपर में होती है। जहाँ भी कहीं वेल्डिंग होनी है उससे जस्ट पहले ग्रैनुलर फ्लक्स प्रोवाइड किया जाता है। ग्रैनुलर फ्लक्स काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देता है स्पार्क्स, स्पैटरिंग और रेडिएशन से। इसी वजह से सेफ्टी ग्लासेस, ग्लव्स को अवॉइड किया जा सकता है। डायग्रामेटिकली इस चीज़ को और अच्छे से समझें तो ये वेल्डिंग वायर है, ये ग्रैनुलर फ्लक्स है, यहाँ पर ये आर्क हो रहा है। आप ध्यान दें डायग्रामेटिकली तो ये ग्रैनुलर फ्लक्स जस्ट हॉपर के थ्रू होता हुआ वहीं प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे की वेल्डिंग होनी है। इस टाइप की शील्डिंग से स्पार्क नहीं तो फैलता है, ना ही स्पैटर होता है, ना ही रेडिएशंस बाहर आती हैं। इस वजह से जो वेल्डर होता है उसे सेफ्टी ग्लासेस और ग्लव्स की रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ पर ये शील्डिंग एटमॉस्फेयर है, ये वेल्ड पूल है, ये मोल्टन स्लैग है और ये सॉलिडिफाइड स्लैग है। ये वेल्ड मेटल है, ये बेस मेटल है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में एक और सिस्टम लगा होता है और वो है वैक्यूम सिस्टम, जिसके द्वारा फ्लक्स को रिकवर किया जाता है। यहाँ से हॉपर के थ्रू ग्रैनुलर फ्लक्स प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रोड वायर स्पार्क करता है और वेल्ड यहाँ पर होता चला जाता है। वैक्यूम सिस्टम वापस से इस ग्रैनुलर फ्लक्स को ऊपर रिसाइकिल कर देता है। अब अगर बात की जाए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि कुछ फ्लक्स यहाँ पर पिघल जाता है और एक ग्लासी लेयर बना लेता है। उसके अलावा जो कूलिंग रेट होता है वो काफ़ी स्लो होता है और वेल्ड की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अनयूज्ड फ्लक्स को वापस से रीयूज किया जा सकता है इस सिस्टम में। अब अगर एप्लीकेशंस की बात की जाए तो इस सिस्टम का इस्तेमाल काफ़ी बड़े डायमीटर पाइप्स को जोड़ने के लिए या टैंक्स को या प्रेशर वेसल्स को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। हैवी मशीनरीज को भी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग द्वारा जोड़ा जा सकता है। उसके अलावा नॉर्मली स्टील प्लेट्स जिनकी मोटाई 25 मिलीमीटर से ज़्यादा है उनके लिए भी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।